सड़क पर निकलते हैं तो जरा संभल कर निकलिएगा। कौन है विधायक जी? राजेश ऋषि जी। उनके संज्ञान में है ये मामला? वो आया ही नहीं है तो अब संज्ञान में तो देखा। यहाँ पे राजेश ऋषि जी विधायक है, पिछली बार उधर 7 महीने पहले भी गड्ढा हुआ था, उसमें भी साल 1-1.5 साल लग गया था, उसको कोई लापरवाही से कुछ भी नहीं भरा था। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। अगर आप देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं और खास तौर पर जनकपुरी विधानसभा में रहते हैं तो अब आपको होशियारी से चलना पड़ेगा आम सड़क पर। ये वही सड़क है जो हमारे और आपके टैक्स के पैसे से विधायक द्वारा बनाई जाती है। और खास तौर पर आपको बता दें, जनकपुरी विधानसभा की ये तस्वीर है जहां 1 महीने के अंदर ये 4थी सड़क धंसने की खबर सामने आ रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के पोसंगीपुर इलाके में, जो जनकपुरी विधानसभा का एरिया लगता है, और यहां के विधायक हैं और राजेश ऋषि जी, जो आम आदमी पार्टी से हैं। और ये जो सड़क है, एक बार ये दिखा दीजिए पूरा दायरा कितना बड़ा है। अचानक बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले सड़क धंस गई, यहाँ से समतल सड़क थी, यहाँ से MCD की गाड़ी का गुजरना हुआ और गाड़ी अचानक धसी और सड़क का जो दायरा है वो काफी बड़ा हो गया। जरा इस वीडियो को देखिए पहले। तो देखा आपने, इसको क्या कहेंगे, विधायक जी की लापरवाही, अनदेखी या भ्रष्टाचार? तस्वीर सामने है आपके। ये 1 महीने के अंदर 4थी बार जनकपुरी विधानसभा में सड़क धंसने की खबर सामने आ रही है। कुछ यहाँ पर लोकल रिहायशी लोग हैं, इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि अचानक सड़क धंसने की खबर कैसे लगी इनको। क्या नाम है आपका? राजू। कैसे पता लगा कि सड़क धंस गई? ये अचानक ही वो ट्रक आया, MCD का ट्रक आया तो वो बैठ गया, वो खड़ा था, बैठ गया, बैठते बैठते वो पूरा इसके अंदर चला गया। आप यहीं रहते हैं? हाँ, बगल में रहते हैं, सामने घर है हमारा। क्या कहेंगे, जनकपुरी विधानसभा में लगातार सड़क धंसने की खबर बढ़ती जा रही है? ये जनकपुरी में तो काफ़ी हो रहा है। पिछले साल एक गड्ढा हुआ, वो 8-9 महीने तक में ठीक हुआ, रोड ब्लॉक रही। अभी साईं बाबा मंदिर के आगे 2 गड्ढे हो गए, अब ये कल ये गड्ढा हो गया नया। कौन है विधायक जी? राजेश ऋषि जी। उनके संज्ञान में है ये मामला? वो आया ही नहीं है तो अब संज्ञान में तो होगा ना, पता तो होगा ही। देखिए, लगातार उदय भारत न्यूज़ जनकपुरी विधानसभा की तस्वीर दिखा रही है आपको। 1 महीने के अंदर 4 बार सड़क धंसना कहीं ना कहीं बड़ी खबर है और चौंकाने वाली खबर है। क्या कहेंगे सर, क्या नाम है आपका? अभिषेक नाम है सर। यहीं रहते हैं? A5A ब्लॉक में रहता हूं सर। अच्छा, ये जो सड़क धंसी, कैसे पता लगा आप लोगों को? कल ट्रक खड़ा हुआ था, वो अचानक से नीचे अपने वो बैठ गया है, हम यहीं पर रहते तो हमने देखा। यहाँ पे राजेश ऋषि जी विधायक है, पिछली बार उधर 7 महीने पहले भी गड्ढा हुआ था, उसमें भी साल 1-1.5 साल लग गया था, उसको कोई लापरवाही से कुछ भी नहीं भरा था उनको। और ये आगे 2 गड्ढे अभी आगे हुए हैं, यासी सूद जी ने अभी करवाया ये वहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर जो मलबा है, ये मलबा किसने गिरवाया? ये यहाँ की आम पब्लिक ने यहाँ पे गिरवाया था और कुछ आशीष सूद जी की सहायता से भी हमने ये करवाया है। कुछ मलबा था, उन्होंने हमारे को एक ट्रक यहाँ पे भिजवाया है। तो क्या कहेंगे, लगातार जनकपुरी विधानसभा में 4थी-5वीं बार सड़क धसना 1 महीने के अंदर, इसको क्या मानते हैं आप, विधायक जी की लापरवाही है, अनदेखी है या भ्रष्टाचार है? ये तो सर लापरवाही है पूरी, सामने उनको दिख रहा है कि चार बार ही हो चुका है इस रोड पे, और ये 16 फीट नीचे गहरा है और नीचे पानी बहता है, ये आगे भी 16, ये सीवर की लाइन है पूरी, और उन्होंने कभी भी आज तक कभी इस रोड पे ही नहीं आए हैं, ना कभी गली ना मोहल्ले में, ना कभी देखा ही नहीं है जब से विधायक बने हैं। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। क्या कहेंगे, अचानक सड़क धस जाना, इसको लापरवाही कहेंगे, अनदेखी कहेंगे या भ्रष्टाचार? अब ये देखो, मान लो चलो सड़क धस गई, कोई बात नहीं, धस जाती है, बारिश बहुत हुई है, लेकिन अब आए देखें, कुछ तो हल करें ना इसका। मान लो ये तो कोई था नहीं, अब मान लो ये रोड चलती रोड है, ये कल को चलती रोड पे कोई गाड़ी में गिर जाए, कर जाए, तो वो तो बंदा तो मर ही जाएगा, वो बंदा तो मर ही जाएंगे ना। अगर गड्ढे चलती गाड़ी एकदम किसी गड्ढे में गिरेगी तो वो तो बंदा ही मर जाएगा। किसी के संग भी हादसा हो सकता है, ये किसी के संग भी हादसा हो सकता है। ये मलबा किसने गिरवाया है? मलबा तो अब ये आए ना लोगों ने गिरवा ही दिया। अगर नहीं गिरेगा, कोई गिर जाए रात में रोड, ये बहुत चलती है,
कोई भी गिर सकता है ना इसमें, कोई भी गिर सकता है। तो ये तमाम रिहायशी लोग हैं जो यहाँ आसपास में रहते हैं। एक बार जरा ये सड़क दिखाइए, आपको बता दें यहाँ से महज 50 मीटर की दूरी पर जहाँ आज से कुछ महीने पहले अचानक सड़क धसी थी और काफ़ी दायरा बड़ा था जिसको ठीक करने करने में डिपार्टमेंट को लगभग साल डेढ़ साल लग गया था। और लेकिन इससे बड़ी बात आपको बता दें कि एक महीने के अंदर जनकपुरी विधानसभा में चौथी बार सड़क का धसना अपने आप में चौंकाने वाली बात है। अगर आप सड़क पर निकलते हैं तो ज़रा संभल कर निकलिएगा, क्योंकि कब जनकपुरी की सड़क धस जाए ये आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ उदय हिंदुस्तानी, उदय भारत न्यूज, दिल्ली। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है।